إنا لمغرمون بل نحن محرومون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كيسے ہو میرے یوٹیوب فیملی اچھا آج میری ریسپی ہے صوبت ڈیرا اسماعیل خان کی ڈش ہے یہ میری صوبت دیسی مرغی نہ بنتی ہے یہ میرے پاس ایک مرغا ہے دیسی میں اس بنانے لگی ہوں دو میں نے پیاز لیے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیے तीन मैंने टमाटर लिए ये दो तीन मिर्चें लूँगी तीन चार जावे लहसुन दे लूँगी इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी ठीक है अभी देखते हैं ये किन चीज़ें ना मुकम्मल होती है अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे शेयर करना अपने दोस्तों फैमिली मेंबर के साथ मेरे चैनल करना लाइक सब्सक्राइब बेल के बटन को भी प्रेस कर देना तो आए चले देखते हैं किन किन चीज़ों ना मुकम्मल होती है ठीक है सबसे पहले लेंगे कढ़ाई अगर सबसे पहले लेंगे कढ़ाई कढ़ाई में डालेंगे ऑयल घी में बना सकते हो देसी घी में बना सकते हो ऑयल में भी बना सकते हो जिस चीज़ में मर्जी बना सकते हो ये दो प्याज है मेरे पास ये मैंने कटिंग कर ली है सबसे पहले जाएगा ऑयल ऑयल तो बाद प्याज बिस्मिल्लाह प्याज को मैं ब्राउन करूंगी हल्का हल्का एक चम्मच जीरा दो बड़ियां इलाचियां ये बड़ी इलाची दो ये टूटे फूटे बायदान दे फूल तीन चार मिर्चे तीन चार सब्ज़ मिर्च तीन लौंग दो दालचीनी ये सारे जाएगा इधर ठीक है ये प्याज मेरा लाल हो गया खड़े मसाले मेरे पूरे हो गए ये मैंने तीन टमाटर लिए ये मैंने कद्दूकस कर लिए एक चम्मच नमक नमक अपनी जरूरत के मुताबिक आधी चम्मच काली मिर्च एक भर के चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला ये जाएगा सारा इधर बिस्मिल्लाह एक चम्मच चाय वाला हल्दी सुरख मिर्च पाउडर एक चम्मच आधी चम्मच दड़ा मिर्च ये जाएगा सारा इधर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दी रहूंगी ये लहसुन और सब्ज मिर्च ये मैंने पेस्ट बना लिया कोई चार पांच जावे लहसुन के थे और तीन चार मिर्चा थे ये मैंने पेस्ट बना लिया ये जाएगा इधर थोड़ा इन्हें पानी डाल लिया कोई दो चम्मच अच्छा ये ऊपर उठा ये अच्छी तरह मसाला गल जाए अच्छी तरह ऑयल छोड़ दे फिर इसमें मुर्ग डालेंगे ये मुर्ग डाक डालने लगी हुए इसमें जाएंगे आलू बखारा
इस डिश में या डालें इमली डालें या आलू बुखारा डालें, ये लाजमी इस डिश में पाया जाए, ठीक है। और एक नींबू, ये दही जाएगी इसमें 3 चम्मच। बिस्मिल्लाह, अब इसकी दही की ना अच्छी तरह बनाई करनी है, क्योंकि अगर दही मतलब कि नहीं अच्छी तरह इसकी बनाई की तो फिर दही का जायका तो सालन का जायका लहदा लहदा नजर आएगा। अच्छी तरह इसकी बनाई करनी है और आग को तेज रखना चूल्हे को। ये अच्छी तरह मैंने बनाई कर ली है, अभी मैं इसमें पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाह, पानी इसमें ज़्यादा डालना है, कम से कम 3 लीटर मैंने पानी डालूंगी इसमें। रोटी बनाना शुरू करती हूँ, लेकिन वो रोटी तो बहुत पतली होती है, वो रोटी तो होती है पुट्ठा तवा नहीं होता, वो ते बना लो तो बड़ी बन जाती है, पक्का वो तो बहुत बड़ी बड़ी रोटी बनाते हैं ना, लेकिन असी इतना तवा भी नहीं है, लेकिन अपने हिसाब ना बनावांगे। आम आटा जेड़ा गंदम का आटा लिया, उसको गुन्ना, सोनी जी रोटी बना ली, पतली जी रोटी बना ली। बड़ी इतनी बड़ी तो नहीं बनी, लेकिन यह एक माशाल्लाह सही बनी। ये देखिए माशाल्लाह इतनी मजे की बनी है। ये मैं इधर डालती हूँ गरम मसाला और गरम जीरा, अच्छा गरम जीरा डालती हूँ इधर। बिस्मिल्लाह, अभी मैं उसको ढक्कन देती हूँ, छोटी छोटी रोटी बोर लेती हूँ। करना अपने दोस्तों फैमिली मेंबर के साथ, मेरे चैनल को करना लाइक सब्सक्राइब, बेल के बटन को प्रेस कर देना, ढेर सारिया दुआओं के साथ मुझे दो जायद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, हमेशा अल्लाह ताला आप लोगों को रहमत दे, साए थले रखे। छोटी सारी रेसिपी सी, अगर अच्छी लगे शेयर करना अपने दोस्तों फैमिली मेंबर के साथ, मेरे चैनल का ना लाइक सब्सक्राइब, बेल के बटन को प्रेस कर देना, ढेर सारिया दुआओं के साथ हमेशा अल्लाह ताला आप लोग को रहमत दे, साए थले रखे। ढेर सारिया दुआओं के साथ मुझे दो जायद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह। Hey you. Yeah, you. Do you like this video? There is a button. It says subscribe on it. I wish I could click on it, but YouTube won't let me.